अभी टीवी पे खबर चलेगी कि पाकिस्तान में 14 अगस्त योम आजादी जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। कैसे मनाया गया? बाजे बजा बजा कर, वन व्हीलिंग करके। क्यों? क्योंकि हम आजाद हैं, हम आजाद हैं, अखलाकियात से आजाद, एहसासात से आजाद, एहतराम से आजाद और अक्लो शऊर से भी आजाद। क्या आप जानते भी हैं कि आजाद कौमें होती कैसी हैं? वतन से सच्ची मोहब्बत है क्या? हमें अपने बच्चों को बताना है कि हम हुजूम नहीं हैं, हम एक बाशाऊर कौम है। अपने बच्चों को बताओ कि इस वतन की बुनियादों में खून बहता है शहीदों का। इस नस्ल को बताओ कि 18 लाख लोगों की लाशों में बना था ये पाकिस्तान। अपने बच्चों को बताओ कि क्यों मुसलमान माओं बहनों ने कुओं में नहरों में छलांगे लगाई थी। अपने बच्चों को बताओ कि जिन मुसलमानों की गर्दनें काटकर दिल्ली के चांदनी चौक पर लटकाई गई थी उनका क्या कसूर था, उनका क्या कसूर था। अपने बच्चों को बताओ कि पाकिस्तान मिस्त्री ने नहीं बनाया, मजदूरों ने नहीं बनाया, पाकिस्तान सिसकियों, चीखों और दर्द के शोर में बना था। ये बाजे फेंको और सुनो, वो तो जाने लुटाकर चले गए और मुल्क बनाकर चले गए। हमने पाकिस्तान के साथ क्या किया है? कायदे आजम ने फरमाया था कि वतन से मोहब्बत का मतलब अपने जाती मफाद पर मुल्की मफाद को तरजीह देना है। और आखिरी बात, मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं कि खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, लीडर ऐसा चुनो जो अपने कारोबार ना संवारे, जो अपनी फैक्ट्रियां ना बनाए। लीडर ऐसा चुनो जो कारखाने ना बनाए, फैक्ट्रियां ना बनाए, जो मुल्क का सोचे, जो इस कौम का सोचे, जो खुददार हो, जिसकी दुनिया इज्जत करे। और याद रखो, बेहिस कौमों का कोई मुस्तकबिल नहीं होता, बेहिस कौमों का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। सपने जो अपनी जगह है, जान से ज्यादा खर्चाया, घर अपने तब नाम लगा है।